कहते हैं रोल्स रॉयस। ये रोल्स रॉयस है, ये रोल्स रॉयस सुनी यार, ये है जो बिल्कुल फिट भाग रहा है, फिट चल रहा है इसका। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों भी आज का भी नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक होगे और खैरियत होगे। तो एक बार फिर हम लोग वही हैं, तो हमने सिर्फ ब्लॉग अपना दूसरा बनाया, क्योंकि आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग कहते हो कि ब्लॉग बनाते नहीं हो, तो अब हमने दूसरा ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया अलहमदिल्ला से। तो वही हमारे साथ ताजे भाई हैं, और वही अपना नजीब भाई, जी जी नजीब आ गए, नजीब भाई, अपना तौहीद भाई, पाकिस्तान मूवमेंट जाएंगे भाई। अब हमारा ये सेकंड टूर है, तो अब हम जाएंगे पाकिस्तान मूवमेंट, तो वहाँ पे भी देखते हैं वहाँ पे क्या सीन होने वाला है। तो चलते हैं, जैसे शक्करपनिया भी कहते हैं, जहाँ शक्करपनिया कहते हैं। तो हम बस निकल चुके हैं अलमदिल से, वहाँ खाना खाया हमने, खाना खाने के बाद फिर हम लोग साथ ही हम लोग निकल गए। तो जैसे आते जाते हैं तो आपको अपना बताते जाते हैं, बताएंगे आपको कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी फेमस हैं। और ये पार्किंग के पैसे हैं 50 रुपये, तो आ गया, पर्ची ले लिया। और ये पर्ची यार, पर्ची क्या है ये? ओहो, टूल टैक्स है भाई जान, टूल टैक्स उसको बोलते हैं, टूल टैक्स, यानी हमारी गाड़ी जो है सेफ होगी। हाँ यार, ये देखें यहाँ ऊंट भी हैं, वाह जी वाह, जबरदस्त, तो मजा आएगा। यहाँ पे हम लोग हो गए एंटर, ये गेट है, इस गेट से हम लोग एंटर हो गए, आगे चलते हैं। अब आगे कहाँ चलना है, कहाँ चलना है साजू भाई पाकिस्तान मूवमेंट पे आए हैं, और उसको चक्कर पर भी कहते हैं मोनोमेल। अभी हम घूमेंगे माशाल्लाह, हमें मज़ा आया है, और भी मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे व्यू भी बहुत अच्छा होता है, और जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है, ये सामने आप देख सकते हैं, नज़ारा दिखा सकते हैं, माशाल्लाह मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, ज़बरदस्त। अभी तो रुको जरा, जबरदस्त, अभी बाकी है। तो भाई ये है पाकिस्तान मूवमेंट म्यूजियम, मूवमेंट म्यूजियम भाई, तो ये भी दिखाना है आप लोगों को ना, क्योंकि अगर आए हैं तो आपको ये चीज़ भी म्यूजियम है ना, आपको दिखाना है। यहीं से आना है तो टिकट लेते, पहले टिकट है, टिकट कितने की है ये तो पहले देखते हैं ना, यार चार देना, सॉरी ये टिकट है, साथ हम सात बंदे हैं, 700 रुपये, 100 रुपये एक टिकट है। चलो भाई सलाम वालेकुम, साथ हैं हम लोग। एंट्री जबरदस्त जबरदस्त, ये देखिए यार, ओ ये हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी है गांधरा, और ये है उर्दू में भी है। तो आप लोगों ने पोज करना है, स्टॉप करना है, और पढ़ लेनी है आराम से, सही है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये मुझे आपके दादा की तरह लग रहे हैं। अरे पूरे टाइम लोग, अच्छा ये सईद भाई के दादा,
मुगल पीरियड, ये है मुगल पीरियड, मुगलों का वक्त दौर, जिसे दौर कहते हैं दौर। ये है द रूल ऑफ सूफियम इन द सब कॉन्टिनेंट भाई। जी जी, अलामा इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है सामने, वो सुन लिया वहाँ चल ऐसे वहाँ से। सैयद अहमद, सैयद अहमद खान, ये उनकी हिस्ट्री है, ये है सैयद अहमद। ये है इकबाल इन कमांडो मॉस। ये है, ये मॉस है। इकबाल एड्रेसेस इन अलाहाबाद, ये है। तो यहाँ बैठ के थोड़ा सा हम सुनते हैं ना, सारे बड़े समय में हुसूल पाकिस्तान की जिदोजहद बहुत ज्यादा जोर पकड़ती थी। सन 47 के आगाज में और सरहद की कांग्रेसी इदारतों के खिलाफ जो आवाम की मर्जी के बगैर उनका मुसलत है, मुस्लिम लीग सिविल नाफरमानी की तहरीकें शुरू कर देती है। लाहौर, पेशावर और दूसरे मकाम पर लोग सर से कफन बांध कर निकल आए हैं। भाई ये कॉन्फ्रेंस चल रही है आप, ये तो क्या डिसाइड हुआ यहाँ पर? ये डिसाइड होगा कि पीडीएम को खत्म करना है। ये भाई गाड़ी आदम मिस्टर बिशी, ये मिस्टर बिशी हैं की मानो बस भाई लोग के सामने एक साइड ना बाजे लांडी एक साइड और कुजिया जो है।
ये गाड़ी है भाई, खैर आजम की गाड़ी है ये। खैर आजम इधर हमारे बैठा करते थे गाड़ी में, गाड़ी में घुमा करते थे। गिदल वो आपको दिखाते हैं करीब से। ये है अपना खैर आजम बैठा करते थे अक्सर अपनी सवारी पे, घोड़ा सवारी पे, टांगे पे, टांगा बोलते हैं, घोड़ा बोलते हैं। तो ये है वो बैठे हुए देखें। चलो आओ सजू, चलो चलो आओ साजिद भाई। आप बड़ा याद है जी साजिद को, आप मेरा नाम लेके पुकार रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा उनको कहा साजू। ओ कहाँ है? पुराने जमाने की गाड़ियाँ खड़ी। हाँ वो भी दिखाते हैं, चलते हैं आप लोगों को। मर्सिडीज, मर्सिडीज और वो बैठने रोल्स रॉयस, रोल्स रॉयस वो भी दिखाते हैं। रोल्स रॉयस, ये रोल्स रॉयस है, ये रोल्स रॉयस तो नहीं है यार। हाँ वही है। हाँ हाँ ये रोल्स रॉयस ही है, ये देखें लिखा हुआ है, ये देखें लिखा हुआ है रोल्स रॉयस सिल्वर शैडो, ये देखें जबरदस्त। ये कौन सी है, ये कौन सी है? ये मर्सिडीज है। अच्छा ये है गाड़ी के नाम, ये है मर्सिडीज, मर्सिडीज फुल मैन S600। ये है मर्सिडीज। भाई हम लोग निकल गए, निकल आए वहाँ से, तो अब हम जाएंगे आगे यहाँ। तो यहाँ को भी दिखाते हैं आप लोगों को, यहाँ भी आप लोगों को दिखाते हैं। पहले ये भी फिर आप लोगों ने पॉज करना है, और पॉज करके फिर आराम से पढ़ना है आप लोगों ने। जो जो चीज़ मैं ना अगर नहीं बता पा रहा, तो फिर आप लोगों ने पॉज करना है और आप लोगों ने ख़ुद देखना है। देखें कितना प्यारा व्यू है, जबरदस्त गुजारा चलेगा। एक तीन जो पाकिस्तान के आपने, ये इसका बैक है, शक्कर इसको बोलते हैं, शक्करपड़ियां भी हम आगे शक्करपड़ियां आ गए। क्या हुआ आपको, थक गए? सामने सेंटोरस है, ओ ये सेंटोरस सामने, तो सब सब बैठ गए क्योंकि हम थक गए हैं। ये हमारे काम छोड़ गए हैं, ये काम छोड़ गई हैं। जब बंदा थकता ही है, यही काम छोड़ेंगे ना, और तो कोई काम छोड़ेंगे ना। नहीं नहीं और कुछ मसला। हाँ चल सही है, ये भी अच्छी बात है। और भाई ये है जो बिल्कुल फिट भाग रहा है और फिट चल रहा है, इसका नाम है शोएब। शोएब भाई फिट घूम रहा है, थका ही नहीं। एलिफेंट ये भाई दो दिनों का मोटा है। अली कौन सी, अली सफा कौन सा? हाँ कितना प्यारा व्यू है, ये हम लोग जहाँ साइड पे बैठे हुए हैं, इस साइड बैठे हुए हम लोग। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया।
और आप लोगों को भी थोड़ी हिस्ट्री बहुत हमने बता दी है और आप लोगों ने देखी भी है, आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोगों ने पोल करके देखना लाजमी है। तो दोस्तों अब हम लोग जाएंगे भाई थोड़ा रिफ्रेशमेंट करने के लिए, और रिफ्रेशमेंट करने के लिए बिल्कुल सामने ही है, उसके सामने है, सामने के बाद बिल्कुल यहाँ पे है ऑपोजिट। चलते हैं देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ। दोस्तों तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी और कोल्ड ड्रिंक हमने पी ली है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो भैया क्या सीन है अजय भाई, चलते हैं अभी वापस चलेंगे। चलो भाई चलते वापस। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह से भाई हम मज़ा आ गया, बड़ा एंजॉय किया हमने माशाल्लाह से, हमने पूरा घूमा माशाल्लाह, पूरा घूम लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है यहाँ पे बैठने के लिए, अगर मतलब सामने मार्केट है, मार्केट के सामने यहाँ बैठने की जगह है, यहाँ आप रेस्ट कर सकते हो, सामने बैठने की ग्रास भी है, ग्रास में बैठ सकते हैं। हम लोग वापस जा रहे हैं और ये है वहाँ से हमने एंट्रेंस लिया था, अब यहाँ से हमने एंट्रेंस लिया था, यहाँ से हम वापस जा रहे हैं और ये हमने एग्ज़िट ले लिया एग्ज़िट ले लिया हमने। अब देखते हैं गाड़ी कहाँ है हमारी। इट्स पेट्रोल टाइम, पेट्रोल भरवाएंगे। संग में वाला फ्लैग देखा आपने, उस पर बहुत बड़ा फ्लैग लगा हुआ है। तो भूल गए नहीं, तो मैं वापस आ गए थे छपे बढ़िया से, और फिर से वापस आ गए थे। उसके बाद में चाय शाय पी होटल पे, और बहुत थक गए हम लोग, फ्लाइट गई भी थी, उसने कहा हमने कहा फिर खाना खाते हैं, फिर खाना खाने लगे हम लोग। ऑर्डर दे दिया हमने, क्या ऑर्डर किया शुभ भाई? सर टकाटक है, टकाटक कटाकट है, हाँ ऐसे ऐसे करते हैं वो वाला। चलो भाई यहाँ के अच्छे हैं, स्पेशल है, अच्छी मिलते हैं। अच्छा चलो भाई आज ट्राई करते हैं, फर्स्ट टाइम मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगा यहाँ की कटाकट। तो ऑर्डर दे दिया हमने, अच्छी आता है ना, फिर दिखाते हैं आप लोगों को, और आप लोगों को एक अपना चेक करेंगे, फिर बताएंगे आपको कि कैसी बनी हुई है। तो भाई साधन आ गया है। तो शोएब भाई ये क्या है? ये टकाटक है, हाँ टकाटक है, उसको तवे पर बनाते हैं ना, इसी वजह से वो यूँ करते हैं। उसमें उसमें मिक्स किया है, दाल से मिक्स किया हुआ है। अच्छा ये दाल के साथ मिक्स किया हुआ है कटाकट। तो आप देखते हैं खाते हैं कैसी है। शुरू करो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या अल्लाह पाक के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे किया है, मैं एड्रेस करते हैं। मज़ा आ गया है, हाँ ऐसी भी है, ऐसी भी आ गई भाई, ऐसी भी आएंगे और मज़ा आएगा अब। हाँ 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 बहुत टेस्टी है, साथ में हमने कहा ऐसी भी मंगवा लें, ऐसी भी पियेंगे। यार हमारी कुल्फी खाने का दिल कर रहा था, तो हमने सोचा कि खाना खाया, खाने खाने के बाद कुल्फी भी हो जाए, क्योंकि हमने देख रहे थे कि कुल्फी ना यहाँ की अच्छी है, मशहूर भी है। तो भाई हमने ले ली खाली सकते, तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह से भाई हमने खाना खा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आया, बिल्कुल अभी मज़ा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह से। मैंने क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने मंगवाया था अपना दाल मांस और कटाकट के साथ, तो नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे हम मंगाएंगे कीमे के साथ। तो मुझे तो नहीं पता ना, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ कटाकट। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो भाई खाया, लेकिन बहुत टेस्टी था, अच्छा था बहुत। तो भाई मज़ा आ गया था, हम घूम के भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत थक गए। अब हम वॉक करते करते वापस घर जा रहे हैं रूम की तरफ, और अल्लाह खैर करेगा। तो मैं इसी ब्लॉग को इधर एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।